हेलो एवरीवन, अगर आपने हमारा लेह लद्दाख बाइक ट्रिप का पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको ये याद ही होगा कि हम मनाली से रिस्पा के लिए निकल चुके हैं। हम रुके थे लंच के लिए, वो अब कंप्लीट हो गया है, सो हम आगे अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इस टाइप के ट्रिप प्लान कर रहा है तो थोड़ा मैं आपको ट्रिप से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने कहां से ये बुक किया था ट्रिप और पर हेड कितना कॉस्ट हुआ था और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। सो हमने ये ट्रिप एक ट्रैवल कंपनी जिनका नाम नोमैडिक सोल है वहाँ से बुक की थी। पर हेड कॉस्ट पड़ा था अराउंड 35K, विच इंक्लूड्स योर एकोमोडेशन, बाइक एंड पेट्रोल का खर्चा एंड ब्रेकफास्ट और डिनर भी वो देते हैं। साथ ही साथ आपके एक बैकअप वैन भी रहेगा जिसमें आपके लगेज रहेंगे और आपके साथ ही चलेगा ताकि रास्ते में अगर कोई राइडर फंसता है तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है विच इंक्लूड्स योर लंच या शॉपिंग वगैरह या साइट सीइंग, वो आपको अपने पॉकेट से अलग से देना हो। अब हम एंटर करने वाले हैं अटल टनल। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे एक बार एंट्री ले लेते हो देन यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप इन बिटवीन, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो। अटल टनल जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबाउट 10,000 feet, इसे कंप्लीट होने में 10 साल लग गए थे। And this was built under the Rohtang Pass in the eastern Bir Panjal range of Himalayas on the Leh Ladakh Highway. इसे बिल्ड करने का मेन आइडिया ये था कि हर सीजन में जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं लद्दाख के और लाहौल स्पीति वैली के, वो खुले रहें और लोगों को प्रॉब्लम ना आए कम्यूट करने में। और बारिश के क्या कहने, हमने जब से राइड शुरू की है तब से ये बारिश कंटिन्यूअसली हो रहा है। सो अगर आप बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो इस एरिया में तो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर रेनकोट, बिकॉज यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। बोलना चाहेंगे आपको यहाँ कैसा लगता है? आप बोलो मैम। हम क्या बोले, हम तो आए हैं, आप बताइए आपकी जगह। बताइए भैया आप क्या बोलिए? जेजेआर का मैनेजर मैम जी। हाँ, जेजेआर का मैनेजर जी। जेजेआर का मैनेजर क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं आप? कैसा लग रहा है आपको भैया यहाँ पे, कैसा लगता है यहाँ रहने में? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आप बोलो। आप हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तभी हम आए हैं यहाँ पे, हम फोटोज वीडियोज देख के आए। आज का दिन आपको याद रहेगा, यादगार रहेगा। ऐसा क्या, जगह तो बहुत अच्छी है। भाई आप क्या बोलिएगा, आप भी जूनियर मैनेजर हो क्या? ये जूनियर मैनेजर बहुत दूर। आप कौन से मैनेजर हो? किचन टीम कुक। आप कुकिंग करते हो? हाँ जी मैम। सही है। Thank you.
रहे हैं और फिर वापस आओ और इधर साइड में देख लो ये नज़ारे हैं। यहाँ पे बस नज़ारे ही नज़ारे हैं और ये भी देख लो फिर। Hi guys, good morning. Now we are in Jispa and we'll be starting for Leh. It would take around 8 to 9 hours because abhi yahan se distance hai Leh ka 258 km I think. Aur abhi hum breakfast wagaira karke ready hain aur stay hamara kuch aisa dikhta hai, pura tent hi tent hai aur surrounded by rivers hai. Aapko main dikha deti hu, sari bikes khadi hain abhi, sare riders ready ho rahe hain aur thode der mein hum start karenge. ये है हमारा स्टे जिस्पा जर्नी रिजॉर्ट एंड दीज आर ऑल द टेंट्स। दिस वाज माय टेंट। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और व्यू ऐसा है यहाँ का। यहाँ से मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, ये एंटर करोगे तो ये सिंपल सा एक एरिया है ऐसे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। एंड देन दिस इज़ द रूम। रूम के बाद सिंपल सा बेसिक सा रूम है, आगे जाएंगे तो दिस इज़ अ वॉशरूम। एक छोटा सा विलेज है लाहौल में एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू मेक मेमोरीज, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू हैव अ स्टॉप हियर इफ यू आर क्रॉसिंग दिस रूट। लुक एट द माउंटेन्स अराउंड, ये किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता है। गाइस अभी हम रुके हैं थोड़ा टी ब्रेक के लिए, थोड़ी जिंजर एंड लेमन टी पियेंगे बिकॉज़ वो ज़रूरी है थ्रोट के लिए एंड ठंडी से बचाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है बट हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, सो एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे हम रुके हैं और व्यू ऐसा है यहाँ का। गाइस कितना सुंदर है ये। अभी तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ले बट अभी रास्ते का रोड है और ये कितना प्यारा है आप देख लो। ये हम क्रॉस कर रहे हैं सरचू। यहाँ के रोड काफ़ी मड़ी हैं, आगे से क्या व्हीकल आ रही है, आपको किस ओर जाना है कुछ भी समझ नहीं आता, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल होके राइड करनी पड़ेगी।
अभी हम चढ़ रहे हैं घाटा लूप के रोड्स में। इसमें टोटल 21 कॉम्प्लेक्स बेंड्स हैं और ये लोकेटेड है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट अबव द सी लेवल। घाटा लूप से रिलेटेड एक स्टोरी है। कहते हैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर फंस गया था और बहुत खराब वेदर होने के कारण और कोई हेल्प ना मिलने के कारण उसकी डेथ हो गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक होस्ट लोगों को रोक के वाटर बॉटल मांगता है और नहीं देने पे उनके साथ कुछ गलत हो सकता है आगे जाके, और उसे रोकने के लिए वहाँ के लोकल लोगों ने एक टेम्पल बना दिया और वहाँ पे वो बॉटल्स ऑफर करने लगे। अभी ऑलमोस्ट शाम हो गई है और यहाँ का वेदर काफ़ी एक्सट्रीम है। ठंड बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कमी भी फील हो रही है हमें, और ले यहाँ से अभी भी बहुत दूर है, सो लगता नहीं आज हम ले पहुँचने वाले हैं।